हेलो गाइस, अनाबिया का कल रात बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद मैं पूरा रात में एडिटिंग कर रही थी, और एडिटिंग करने के बाद भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि सुबह मैं अब जा रही हूँ शॉपिंग करने। और जहाँ मैं मार्केट जा रही हूँ ना, हालांकि वहाँ मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ, और आप लोग जाएं इससे पहले आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए मेरे इस ब्लॉग के थ्रू। मेरा ये सूट मुझे इतना ज्यादा पसंद है, और रखे रखे बस खराब ही तो हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं सारे सूट अपने पहनूंगी, और देखो ब्लॉगिंग प्रॉपर ब्लॉगिंग करने निकली। तो एक मेट्रो चेंज की है मैंने, और मुझे जाना है पीरागढ़ी, और मैंने इंद्रलोक से अब ग्रीन लाइन मैं फॉलो करूंगी, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी पीरागढ़ी मेट्रो, जो हमारी मार्केट पहुंचाएगी हमें। मैं भी पहली बार ही जा रही हूं, आपको इसलिए बता रही हूं सारी चीजें ताकि जब आप आओ ना तो मुझे थैंक यू बोलना मत भूलो। पहुंच गए हैं हम पीरागढ़ी, और पीरागढ़ी से दो गेट नंबर 2 से एग्जिट करके हमको लेना है ई रिक्शा। ई रिक्शा कहाँ के लिए लेना है वो मैं नीचे पहुंच के बताती हूँ। आपको पता है कि क्या खास बात है, आज मैं ट्राईपॉड लेकर निकली हूँ घर से। जब मैं ये लेकर निकलने की सोचती थी ना, तो ये सोचती थी कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि अब बड़ी ब्लॉगर है, किसी ने पूछ लिया तो क्या बोलूंगी, कि छोटी सी फैमिली है मेरी यूट्यूब पे। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि मेरी 1 लाख से अबव फैमिली है, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली ट्राईपॉड लेकर निकली हूँ घर से, किसी ने पूछ भी लिया तो एकदम अच्छे से कह पाऊंगी कि हाँ जी मैं ब्लॉगर हूँ। तो अब हम लोग ना पीरागढ़ी स्टेशन पहुँच गए हैं। पीरागढ़ी स्टेशन पहुँच के 2 नंबर गेट से एग्जिट करना है हमें, और उसके बाद रिक्शा लेना है कतरन मार्केट के लिए। और कतरन मार्केट में क्यों जा रही हूँ, सूट का कपड़ा लेने। आपको पता ना कितनी भूखी हूँ सूट की, तो मैं सूट का कपड़ा लेने जा रही हूँ, और वहाँ मैं पहली बार ही जा रही हूँ। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ ताकि आप लोग जब आएँ तीसरी बार कहते ना। चलो वहाँ पहुँच के मिलते हैं। ई रिक्शा के लिए देखो मैं यहाँ खड़ी थी देर से, लेकिन मुझे उधर जाना है, किसी ने बताया कि ई रिक्शा वहाँ से मिलेंगे, वरना यहाँ से ऑटो वाले आपको लूट लेंगे। थोड़ा चल लो, इसलिए मेहनत कर लो। मैं थोड़ा चल के अब ई रिक्शा लूँगी यहाँ से। वैसे भी वो भी ज़्यादा नहीं मांग रहा था, 50 रुपये ही मांग रहा था, पर हो सकता है हम इससे अच्छे रथ में पहुँच जाएँ। वो रहा ई रिक्शा। वाह यार कितना प्यारा लग रहा है ये। अच्छा ई रिक्शा हमको ना वहीं से मिलेंगे आगे से, थोड़ा और चलना पड़ेगा। देख लो ये है यहाँ पे, और अब बेला से मेट्रो से उतर के सिर्फ 10 रुपए लगते हैं, इन्होंने 20 लिए क्योंकि ट्रैफिक था, ऐसा इन्होंने बोला। अच्छा मैंने आपको बताया कि मैं आई कहाँ पे हूँ, मैं आई हूँ कतरन मार्केट, जो कि मंगोलपुरी में है। यहाँ पहुँचने का रीज़न क्या, क्योंकि मुझे सूट के कपड़े लेने हैं, और आप सबको मेरे सूट बहुत पसंद है, और मुझे सूट की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और मैं आप लोगों को मार्केट एक्सप्लोर कराऊंगी अब मंगोलपुरी की ये वाली। चलिए मार्केट पहुंच के क्या मतलब, यहाँ आके ना मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और पीछे आंटी कह रही थी कि अरे हमारी दुकान की भी बना लो। और वो आंटी कह रही थी इधर भी दिखाओ, हाथ हिला रही हूँ मैं। ऐसा है बोल रही थी। जैसे अभी फेस्टिव सीजन चल ही रहा है, तो आपको कोई भी त्यौहार होना, यहाँ पे हर तरह का फैब्रिक मिल जाएगा, और आपको ना मज़ा आ जाएगा यहाँ पर आकर। यहाँ तो कपड़ा देख के मेरी बहुत ज़्यादा नीयत ख़राब हो रही है, मैं लेने वाली हूँ यहाँ से एक सूट। अभी मुझे बहुत टाइम हो गया है मार्केट में, लगभग 1.5 घंटा हो गया घूमते घूमते, और यहाँ पे मुझे काफ़ी कपड़े पसंद आए हैं, लेकिन मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं है। जब मैं लूँगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑब्वियसली, है ना। तो क्यों मैं आप लोगों को पकाऊँ बिना फालतू में। अभी मैं पानी ढूंढ रही हूँ, पानी मिल जाए, क्योंकि मेरा गला सूख गया ना बार्गेनिंग करते करते। पर अच्छा है, कपड़े की मार्केट अच्छी है ये, तो आप लोग आ सकते हैं। भूख लग रही थी, और ये देखो इग्नोर करती हुई, नान खटाई इग्नोर करती हुई मैं आगे निकल गई यार।
यहाँ पर सर्दियों का कलेक्शन, इतने सारे कलर्स वेलवेट में, मज़ा आ गया देखकर। यहाँ पे स्टिच कुर्ती भी थी तो वो भी देख सकते हैं, और इतना अच्छा लग रहा था सारे कलर से। और ये व्हाइट वाले कपड़े का मैंने रेट पूछा था, समझ नहीं आया, आप सुनना, आपको समझ में आया? मीटर है भैया। हाँ अच्छा, दुपट्टे भी है इसके अलग से। फिर मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, लग गई थी बहुत ज़्यादा प्यास भूख के साथ साथ, तो यहाँ पे जूस वाले दिख गए भैया, तो मैंने इनसे जूस ले लिया। और मुझे गंधर्व की अपनी याद आ गई, जब मैं हम जाया करते थे। आप यहाँ ना आएंगे ना तो आपको हर तरह का फैब्रिक मिल जाएगा, मतलब हर तरह का मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको देखकर। मैं तो खिली खिली हो गई थी, और ये कितना प्यारा लग रहा है ना कपड़ा। और यहाँ पे ये वाइट वाले थोड़े ज़्यादा महंगे थे, ये मतलब 500 रुपये पर मीटर के आसपास था, 400 रुपये पर मीटर, 450 रुपये पर मीटर पर। कितना प्यारा लग रहा है, ये अगली बार ज़रूर खरीदूंगी, अभी तो नहीं। मेरी शॉपिंग हो गई है और अब मैं घर जो है बस से जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ऑटो मिल रहा है ना कैब आ रही है, और मेट्रो से मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, और थोड़ा मेरा जेब भी ढीली हो गई है, इसलिए अब बस से घर। तो मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ, कैसा लगा आपको बताना, या फिर घर जाके करूँगी पता नहीं, दिखाऊंगी, वरना यहीं पे एंड कर रही हूँ, बाय। ओके गाइस, कल मैं इस व्लॉग की एंडिंग नहीं ले पाई थी, तो मैं अब जल्दी से एंडिंग ले रही हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई, वो आप लोगों को देखना भी तो होगा ना। मैं ऐसी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं सो के उठी हूँ, थोड़ी देर सो गई थी, कपड़े धोए थे मैंने, बहुत थक गई थी। अच्छा, मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मैं मार्केट में जो भी देखा सही मैंने उसको अलग रखूँ, लेकिन जो मैं घर लाकर देखने की बात होती है ना वो अलग होती है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ शरीक हो, बस मैं देख चुकी हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले ना मैंने वहाँ से ये कुर्ता लिया था, टॉप टाइप कुर्ता, ये देखिए जो मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था, ये कुर्ता लिया था मैंने वहाँ से, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और 200 की सेल में था ये, तो मुझे अच्छा लगा। इसको मैं कैसे स्टाइल करूंगी वो आप कभी मेरी दूसरी वीडियो में देखना है ना, चाहिए ना स्लीव्स, मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसे मस्टर्ड येलो कलर बहुत पसंद है। अच्छा, और मैंने वहाँ से लिया था ये सूट, यार ये मेरा दूसरा टेक है, इसे मैंने खोल दिया, वैसे ये तेज था। ये है चिकनकारी और जॉर्जेट मटेरियल में कपड़ा, और ये वाला सूट थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ये कपड़ा मुझे इतना अच्छा लगा। ये मैं आप देखते आ रहे होंगे कि मार्केट कितना अच्छा था, तो आप लोग भी वहाँ जाके ज़रूर विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को मेरे सूट इतने पसंद आते हैं, तो मेरा अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जो भी सूट लाऊंगी ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और मार्केट के ब्लॉग्स भी बताना आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा है, जब मैं पहनूंगी जब देखना। और ये इसका सलवार पजामा जो भी मैं बनाऊंगी वो उसका कपड़ा है, और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा मतलब जान डाल देता है आपके सूट में, मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ बार बार, दुपट्टा आपके सूट में जान डाल देता है कि आपका दुपट्टा अच्छा होना तो बहुत प्यारा लगेगा। और ये कपड़ा मुझ पर, मतलब ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है बताना, जब पहनूंगी सलवार का तब देखना। और वहाँ से मैं एक और चीज़ लेकर आई हूँ, ये है ब्लैक कलर का जॉर्जेट, और इस पे है देखो, जॉर्जेट मैंने ब्लैक बहुत पहना है लेकिन ऐसा कभी नहीं पहना। ये देखो इसकी बूटी, मैं डिटेल में दिखा दूंगी आपको, ये इतना प्यारा लग रहा था मुझे देखते ही पसंद आ गया, तो मैंने ये ले लिया। और रेट की अगर आपको जानना है तो ये 300 रुपये मीटर था, हाँ ये 300 रुपये मीटर था, मैंने बार्गेनिंग करके ये पूरा का पूरा 300 रुपये में ले लिया, 300 या 350 पता नहीं, खैर मतलब इतना ही है, 300 और 350 का है ये, 2 मीटर है। मैं इसका पूरी स्लीव्स का कुर्ता बनवाऊंगी, जब बनवाऊंगी जब आप देखना। और ये तो मैंने बताई दिया कि 200 रुपये की सेल थी, तो मैंने ये टॉप 200 रुपये का लिया था। और ये वाला जो सूट है ना, ये बताया उन्होंने 2400 रुपये का था, मतलब दुपट्टे वाले ऐसे सूट का ना बनाने का भी अपना अलग मज़ा है, मतलब वो वाले सूट भी अलग मज़ा है, लेकिन इस सूट का बनाने का भी अपना मज़ा है। 2400 का भी ये बताया था मुझे, और बार्गेनिंग करके ये मैं 1500 में ले आई। अच्छा, बस मैं यही लेकर आई थी वहाँ से, और मैंने कुछ नहीं लिया। और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैं देख रही हूँ यार, लोग मेरा ब्लॉग देख तो रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बिना सब्सक्राइब करे आप चैनल देखेंगे ना तो गुनाह लगेगा आपको, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, और ऐसे ही मार्केट वाले, क्योंकि मुझे तो बड़ा पसंद है एक्सप्लोर करना, आपको देखना पसंद है, तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह।